Assalamu alaikum ladies and gentlemen how are you doing today i hope all of you will be very good today i am going to show you how to use pdf reader across dc2020 and what is the important lectures and their importance in cs101 introduction to computer sciences First of all, you have to download Acrob DC Reader 2020, then you install, open it with your browser, then start. We are going to our topic. Let's start it. Right click on your files like this and open your tab, then open with your browser, any browser that you are using. I'm going with Acrob Chrome. And then this is your file, and another your file is your CS101. Open with Chrome browser. There are two files. Check this. There are your important definitions and MCQ quizzes like this. HIPPA, something like HIPAA, Health Insurance Portability and Accountability Act. Copy. Control C your file. Press Control F. There is a menu at the right top. Paste your query there. Search, and you will be see HIPAA Health Insurance Portability Accountability Act at the page number two zero. 9 uh, 293 sorry 293 this is at 293 of 381 yes i'm back there was a call where was i oh again call i think today lecture will be stuck yes dear to come up with him एक कॉल थी जरा लंबी थी वीडियो को मैंने पाउज कर दिया था और अब ये भी भूल गया कि मैं पढ़ा क्या रहा था तो आई थिंक हम हेल्थ इंश्योरेंस पढ़ रहे थे पोटेबिलिटी अकाउंटबिलिटी एक्ट पढ़ रहे थे तो ये सर्च करने का आपका तरीका ये है कि आपने कोई भी वर्ड को जैसे कि आपका क्वीज़ आ जाता है या आप कोई फाइल को रेडी करें मसलन आप कहते हैं हमने चेक करना है केज व्हाट इज द केस कहाँ पे लिखा है इसका क्या सीन है आप इस पे यहाँ पे कॉपी करें और प्रेस इंटर सर्च और इसको देखें केज आपके पास कितनी सर्च हैं ये यह यहाँ पे ऊपर देखें टू ओवर वन फिफ्टी थ्री वन फिफ्टी थ्री अगर आपको यहाँ पे एग्जैक्ट मैच नहीं मिलता तो आप यहाँ पे फिर दोबारा इस पोर्शन को कॉपी करें कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस पोर्शन को कॉपी करें आपने वो सर्च करनी है जो ज्यादा नियर टू होती है ठीक है अब इसको कंट्रोल भी करके देखें प्रेस ये देखें आपका आ गया केस किसका एब्रीवेशन कंप्यूटर एजेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ठीक है ये यहाँ पे ये आपका पेज नंबर भी यहाँ पे नीचे दिया हुआ है आ, दो सौ सोलह पेज नंबर ऊपर भी यहाँ पे आपका पेज नंबर दिया हुआ है दो सोलह ठीक है उसके बाद आपने ऐसे ही अपनी फाइल जो सर्च करनी है एक्सपी को सर्च कर लें आ, ये हम लीफो को सर्च कर लेते हैं लीफो लीफो को कर लें फीफो को कर लें वहाँ से पेस्ट किया मैंने यहाँ पे लीफो को कॉपी किया यहाँ पे पेस्ट किया और इंटर किया और मुझे दो सर्च मिली है आ, ये देखें लास्ट इन फर्स्ट आउट ये आपकी डेफिनेशन आएगी आपको लिखा आएगा व्हाट इज़ द लीफो व्हाट इज द फीफो आ, आपने इसकी डेफिनेशन बतानी है उसके बाद आप दोबारा देख लें आप फीफो को ट्राई कर लें व्हाट इज़ फीफो व्हाट इज फ़ीफा एट्सट्रा पढ़ने के तरीके आते हों पढ़ाई मुश्किल नहीं होती सारा दिन बैठे रहते हैं किताब पकड़ के मेरे जैसे आ, फीफो ही सबमिट हुआ है यहाँ पे मैंने इंटर किया फीफो आ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज नंबर आपका ये है आ, 95 फाइव ठीक है नाइन्टी फाइव पेज पे है इसको जाके ऐसे अब आपने अपनी ये बुक जो है आपका यहाँ पे इसको आपने करना है हाईलाइट पेज नंबर क्या था आपका मैं देखता हूँ पेज नंबर था आपका 95 क्या पेज नंबर 95 फाइव यहाँ पे लिखे 95 फाइव एट द टॉप नाइन्टी फाइव प्रेस इंटर करें यहाँ पे आ गया आपका ये देखे इसको करें आप हाईलाइट ये आपका क्विज था इस तरह आपकी डेफिनेशन भी थी और इसी तरह से आपने पढ़ते जाना पढ़ते जाना और पढ़ते ही जाना है तो ये थे आपके सर्च करने के ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको पूछा जाएगा शॉर्ट की कंट्रोल प्लस बी किसकी शॉर्ट की है या आपको पीछे पूछा जाएगा बोर्ड करने की शॉर्टकट की क्या है आपसे पूछा जाएगा अटैलिक करने की अटैलिक थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं अटैलिक uh, की शॉर्ट की क्या है अंडरलाइन uh, की शॉर्ट की क्या है ये सारी शॉर्ट लाइन की को मग अप कर लें मग मग अप करना मतलब रटा लगा लें तो मैकअप करें इसको आप रटा लगा लें फीफो यस ये आपको जो फाइल दिखाई जा रही है दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको ये फाइल मैंने ग्रुप्स में सेंड भी कर दी थी इसको आप तैयार कर लें और अब बताते हैं आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं वो कौन से हैं तो जी हम फाइनल टर्म के वन जीरो नाइन टॉपिक से स्टार्ट होता है यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है ये देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अर्ली जनरेशन मेरा मानना सब कुछ इंपॉर्टेंट है हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है मुझ पर कोई बंदा फतवा ना लगा दे सर जी आपने छुड़वाया था तो हमारे पेपर में आ गया लेकिन मैं वो चीज़ बता रहा हूँ दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्ली जनरेशन पहला चैप्टर छोड़ दो अर्ली जनरेशन टू कर लो अर्ली जनरेशन थ्री कर लो यहाँ पे आपने इम्पेरटिव मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपेरिटिव डिक्लेरेटिव फंक्शन ऑब्जेक्टिव वेरिएबल डाटा टाइप डाटा स्ट्रक्चर असाइनमेंट स्टेटमेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर यहाँ से आपने कुछ नहीं छोड़ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका कंट्रोल स्ट्रक्चर कंट्रोल स्ट्रक्चर लूप करंट एक्टिविटीज अर्थमैटिक ऑपरेटर्स ये काफ़ी आसान है रिलेशनल ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिसिप्लिन को सिर्फ रीड कर लेना दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट लाइफ साइकिल इज नॉट इम्पॉर्टेंट ये आप अपने वर्ड में लिख सकते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस अगर ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला जितना भी पोर्शन है आपने इसको समझ लेना है लेकिन इसको जुबानी याद करने नहीं बैठ जाना ठीक है डिजाइन फेज सब कुछ इंपॉर्टेंट है टेस्टिंग फेज इज इम्पोर्टेंट इम्पॉर्टेंट इंजीनियरिंग मेथडोलॉजी नॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कपलिंग इज मोस्ट इज मोस्ट कोटेंट इंफॉर्मेशन हाइडिंग इज मतलब अपनी इंफॉर्मेशन को हाइड कर देना प्रोग्राम में मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजाइन पैटर्न इज लेस इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज लेस इंपॉर्टेंट उसके बाद आपने आ जाना है ह्यूमन मशीन इंटरफेस नॉट इंपॉर्टेंट एरे एंड एग्रीगेट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइफ स्टैक क्वीज इम्पोर्टेंट ट्री इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंटर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रोल ऑफ स्केमा इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाटा बेस इंपॉर्टेंट है आपका लेकिन मुश्किल नहीं है बहुत आसान है इसके लेक्चर जल्दी अपलोड किए जाएंगे uh, उसके बाद आपका यहाँ पे आपने लॉकिंग इम्पोर्टेंट उसके बाद आ, उसके बाद जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे आ, उसके बाद आपने जो चीज़ें आपने नहीं छोड़नी इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ उसके बाद आपने सिक्योरिटी वगैरह अपने वर्ड में लिख सकते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी प्राइवेसी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आ, मतलब कंप्यूटर की सिक्योरिटी वगैरह वगैरह एम एस वर्ल्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, है पूरा एम एस वर्ल्ड इसमें की आएंगी बहुत सारे क्वीज़ आएंगे लेकिन बहुत ज़्यादा आसान है एम वर्ड सारा करना है आपने एम एस पावर पॉइंट जो वर्ड प्रोसेसिंग है ये सारा करना है आपने इसके लेक्चर अपलोडेड हैं ये बहुत ज़्यादा आसान है अपने लेक्चर देखें कितने जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ही तो आपका आधा ये जो ख़त्म हो जाएगा उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहाँ तक है आ, एक मिनट यहाँ पे चेक करते हैं यहाँ तक है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 225 तक 225 तक और दो सौ आपके टोटल लेक्चर हैं ठीक है एम एस ऑफिस अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है तो आपको सब कुछ आता है आपका पेपर पास हो चुका है और यहाँ पे आपको शायद 20, 20, 15, 20 मिड टर्म पे डिपेंड है कितने मार्क्स चाहिए सिर्फ पास होना है आप ऑलरेडी पास हैं मिड ने आपको पास कर दिया है क्योंकि आपके इस दफा कोरोना की वजह से वो हुए हैं घर पे क्विजर्स तो आपके मार्क्स अच्छे हैं सेवेंटी सिक्सटी परसेंट है आगे डाटा बेस इज इम्पॉर्टेंट लेकिन नॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको रीड करिएगा अच्छे से इसके लेक्चर जल्दी अपलोड होंगे यहाँ पे जो आपका इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो है यहाँ से वेब डिवेलपमेंट कहाँ से यहाँ से वेब डिवेलपमेंट में दो सौ तीस से वेब डिवेल्पमेंट हम जल्दी से इसको अपलोड कर देंगे इसमें से आपको एच डी एम एल आएगी और ये आपकी छुट्टी अल्लाह हाफिज़ मिलते हैं अगले लेक्चर में ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है तो आपको सब कुछ आता है आपका जिस बंदे को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है उसमें पंगे शंगे लेने आते हैं छेड़छाड़ करना आता है उसी तरह लड़के जैसे छोटी बहनों को तंग करते हैं लड़के जैसे बड़े भाई को तंग करती हैं ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को तंग करो छेड़छाड़ करो उसको चेक करो और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो 110 से लेके 130 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने अपलोड कर दिए थे मैंने अगेन बता दिया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज इम्पोर्टेंट ट्यूरिंग टेस्ट इज इम्पोर्टेंट उसके बाद उसके बाद हैश फाइल्स देख लीजिएगा लॉकिंग इज इम्पोर्टेंट और उसके बाद उसके बाद उसके बाद, बाद, बाद यही था मैंने आपको सब कुछ ट्रीज पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल ऑफ स्कीमा डाटा बेस मैनेजमेंट डाटा बेस होता क्या ये पता हो आपको बाकी आप सर्च इंटरनेट से कर लिया करें यही है आपका आज का जो है छोटा सा टॉपिक दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट तब तक जब तक हम अगला लेक्चर अपलोड नहीं करते वीडियो को शेयर करते रहा करें अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को पूरी सपोर्ट करें आठ समय तक मैंने आपको शायद बहुत सारी बुक्स के लेक्चर अपलोड करके देने हैं आई होप सो दैट आपके लिए बहुत ज्यादा आसानियाँ पैदा करूंगा मैं बिकॉज मुझे आपसे किसी बात की कोई कंसर्न नहीं कोई गर्ज़ नहीं जिसने थैंक यू करना होता है वो मेरे लेक्चर को आगे शेयर कर दिया करें मुझे सपोर्ट करें मिलते हैं अगले लेक्चर में थैंक यू अल्लाह हाफिज़ अल्लाह के पान